दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही मिस्टीरियस हॉरर मूवी लेकर आए हैं, जिसमें कृष्णा टॉकीज नाम के थिएटर में सीट नंबर 13 पर जो भी इंसान बैठता है तो उसका एक्सीडेंट होकर उसकी मौत हो जाती है। और उस गांव में रहने वाले लोगों का ये कहना था कि कृष्णा टॉकीज में कुछ अजीबोगरीब भूतिया घटना हो रही है और पिछले कुछ दिनों से गांव के कुछ लोग गायब हो रहे थे और इसके पीछे क्या वजह है ये किसी को पता नहीं चल रहा था। अब हमारा हीरो अजय अपने दोस्त सूरज के साथ अपने गांव आ जाता है, लेकिन यहां पर कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसमें अजय के दोस्त सूरज की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तो छानबीन करने पर उन्हें पता चलता है कि सूरज की जान एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि उसका मर्डर किया गया है। तो अब अजय अपने फ्रेंड के कातिल का पता लगाने में लग जाता है और इसी इन्वेस्टिगेशन में उसके सामने बहुत सारे राज आने लगते हैं। तो दोस्तों क्या अजय अपने दोस्त के असली कातिल को पकड़ पाएगा और इन भूतिया घटनाओं का इससे क्या लेना देना है, यही देखेंगे हम आज की हॉरर थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है कृष्णा टॉकीज। दोस्तों ये मूवी बहुत ज्यादा ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई है जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको ऐसे ही साउथ की हॉरर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें कृष्णा टॉकीज को दिखाया जाता है और 13 सितंबर 2018 की रात होती है, जहां पर बहुत सारे लोग मूवी देखने के लिए आए हुए थे। तभी हम वहां पर एक आदमी को देखते हैं जो कि मूवी को बहुत ज्यादा एंजॉय करके देख रहा होता है, लेकिन पीछे से कुछ बच्चे उसे परेशान कर रहे थे, इसलिए वो अपनी जगह से उठकर सीट नंबर 13 पर बैठ जाता है। अब ये लोग भी जो मूवी देख रहे थे वो भी हॉरर ही मूवी थी और उसके कुछ देर बाद में उस आदमी को कुछ होने लगता है। देखते ही देखते उस आदमी की आंखें व्हाइट हो जाती है और वो आदमी वहीं पर मर जाता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब दोस्तों उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 9 जनवरी 2019, जहां पर हमें बेंगलुरु का नजारा दिखाया जाता है। अब यहां पर हम कहानी के हीरो अजय को देखते हैं और अजय के बारे में बात करें तो वो एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट होता है। फिलहाल वो अपने फ्रेंड सूरज के घर पर आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही खास दोस्त होते हैं और आज ये दोनों अपना अपना इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे। मतलब कि दोस्तों सूरज को एक्टिंग का शौक होता है, इसीलिए वो एक जगह पर फिल्म के ऑडिशन देने के लिए जा रहा होता है और अजय एक न्यूज चैनल में जर्नलिस्ट की जॉब पाने के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहा होता है। अब ये दोनों अपना अपना काम करने के लिए साथ में ही निकलते हैं और दोस्तों उसके बाद हमें सीधा रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सूरज अजय अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उन दोनों को जॉब मिल गई थी। जी हाँ दोस्तों, उनमें से एक दोस्त कहता है कि आज कितना लकी दिन है यार, सूरज को एक नई फिल्म में रोल मिल गया है और अजय को भी टीवी से एक न्यूज चैनल पर जर्नलिस्ट की जॉब मिल गई है, आज तो हम लोग जमकर पार्टी करेंगे। और इस तरह से ये लोग एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक अजय को उसके ऑफिस से कॉल आता है और उसका मैनेजर उसे बताता है कि आज जो तुमने इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के लिए चैनल को वायरल करने का आइडिया दिया था वो आइडिया फ्लॉप हो चुका है, इसलिए हम तुम्हें जॉब नहीं दे सकते। तुम्हारी वजह से चैनल पहले तो ट्रेंडिंग पर आ गया था, लेकिन उस न्यूज पर लोगों का बहुत ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स आ गया और उसकी वजह से कंपनी का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ऐसा कहकर वो फोन को कट कर देता है। अब ये बात सुनकर सुरेश अजय से कहता है कि अरे तू टेंशन मत ले, एक जॉब चलेगी तो क्या दूसरी जॉब मिल जाएगी। लेकिन तभी सूरज को भी कॉल आता है और उसका डायरेक्टर उसे कहता है कि सूरज तुम्हारा रोल हमने एक लड़की को दे दिया है, इसलिए तुम्हें शूटिंग पर आने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात सुनकर सूरज का तो दिल ही टूट जाता है और उसके दोस्त कहने लगते हैं कि अरे यार ये क्या, थोड़ी देर पहले तो हम लोग कितने खुश थे और अचानक ये बुरी खबरें आ गई। लेकिन तभी उस बार में मेनका का आइटम डांस शुरू हो जाता है और ये सभी लोग अपना गम भुलाकर उसके साथ डांस करने लगते हैं और यहाँ पर खूब एंजॉय भी करते हैं। उसके अगले दिन हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रम्या। वो बस से अपने पिताजी के दोस्त के गांव अपनी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करने के लिए जा रही होती है और हम देखते हैं कि उस बस में अजय और सूरज भी मौजूद होते हैं और ये दोनों अजय के गांव जा रहे थे। अब रम्या सूरज के साइड वाली सीट पर आकर बैठती है तो सूरज उसे देखकर उसे पटाने के लिए उस पर लाइन मारने लगता है। अब इतने में वहां पर अजय आ जाता है और उनके बीच में बैठ जाता है, लेकिन फिर भी सूरज रम्या को देखकर कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है और यह रम्या उन दोनों की हरकतों से परेशान हो जाती है। अब उसके थोड़ी देर बाद आधा घंटा खाना खाने के लिए वो बस एक जगह पर रुकती है तो रम्या नीचे उतरकर नारियल पानी पी लेती है और वो अपने साथ दो और नारियल लेकर सूरज और अजय को देती है। वो उनसे कहती है कि अरे कोई बात नहीं ले लो, ये लंबा सफर है और हम इसे झगड़ते हुए जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए हम फ्रेंड बन जाते हैं और हम आराम से जाएंगे, तुम ये नारियल पानी पी लो। और वो दोनों खुशी खुशी उस नारियल पानी को पी लेते हैं। उसके बाद शाम हो जाती है और रम्या अपने स्टेशन पर उतर जाती है। फिर वहां से वो अपने पिताजी के दोस्त के घर पर पहुंच जाती है
और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि रम्या ने उस नारियल पानी में नींद की दवाई मिला दी थी ताकि सूरज और अजय को सबक सिखा सके। और होता भी वैसा ही है, अजय और सूरज अपने स्टेशन पर उतरने के बजाय 40 किलोमीटर आगे जाकर उनकी नींद खुलती है। और यही बात रम्या उस फैमिली को बताकर ये लोग हंस रहे होते हैं। अंकल कहते हैं कि रम्या तुमने उन लड़कों को बहुत ही अच्छा सबक सिखाया, आज के बाद वो कभी नारियल पानी नहीं पियेंगे। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम सूरज और अजय को देखते हैं, वो किसी तरह से रात के अंधेरे में वापस अपने गांव आने लगते हैं और जैसे तैसे करके अजय अपने घर पर पहुंच जाता है। तभी रम्या खिड़की से देखती है और कहती है कि अंकल मुझे बस में परेशान करने वाले लोग आपके घर के बाहर खड़े हैं। लेकिन अंकल जैसे ही दरवाजा ओपन करते हैं तो वो अपने बेटे अजय और उसके दोस्त को देखते हैं। और दोस्तों दरअसल ये अजय का ही घर होता है और वो अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ यहाँ पर रहता है। अब यह जानने के बाद रम्या अजय और सूरज से सॉरी कहती है कि मैंने तुम लोगों को खामखा बहुत ज्यादा घुमा दिया, और ये दोनों भी उसे माफ कर देते हैं। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि अजय अपने दोस्त और रम्या को अपना गांव दिखाने के लिए ले जाता है, जिसे देखकर रम्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए पहाड़ों और मंदिरों को शूट करने लगती है। अब ये लोग एक रास्ते से जा रहे होते हैं लेकिन तभी अचानक अजय की गाड़ी बंद पड़ जाती है, तो वो अपने गांव में रहने वाले एक दोस्त सलीम को जो कि मैकेनिक होता है उसे यहां पर बुलाता है और सलीम वहां पर आकर उसकी गाड़ी को रिपेयर करने लगता है। तभी उस रास्ते से वहां के एरिया का एमएलए और उसके एक आदमी जा रहा होता है और अजय की उनके साथ बहुत ही अच्छी खासी जान पहचान थी। वो लोग यहाँ पर रुककर अजय से कहते हैं कि अब थोड़ी देर में शाम हो जाएगी और रात को गांव में रुकना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, कुछ महीनों से गांव में कुछ लोग गायब हो रहे हैं, इसलिए तुम लोग हमारी कार में बैठ जाओ, हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। तो अजय कहता है कि आप रम्या और मेरी बहन को ले जाइए, हम दोनों गाड़ी रिपेयर करके आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर अजय सलीम से पूछता है कि सलीम तुम्हारा वो दोस्त रफीक कहाँ है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। तो सलीम बताता है कि रफीक कृष्णा टॉकीज में मूवी देखने के लिए गया था लेकिन रात को आते वक्त एक जगह पर उसी एक्सीडेंट में मौत हो गई। और ये बात सुनकर अजय तो शॉक ही रह जाता है। उसके बाद ये सभी लोग मिलकर रात को डिनर कर रहे होते हैं तो अजय के पिताजी रम्या से पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लगा हमारा काम, और वो कहते हैं कि आपका गांव तो बहुत ज्यादा सुंदर है और मुझे यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बहुत सारे लोकेशन मिल गए हैं। फिर अजय की माँ उनसे पूछने लगती है कि कल तुम लोगों का क्या प्लान है, तो अजय की बहन बताती है कि कल हम लोग मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं। और ये बात सुनकर अजय के माता पिता परेशान से हो जाते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि तुम लोग मूवी देखने के लिए जा रहे हो लेकिन रात को बिल्कुल भी मत जाना, सुबह के टाइम पर ही जाना। अजय अपने पिताजी से पूछने लगता है कि ऐसा क्यों पापा जी, तो वो बताते हैं कि 4 महीने पहले मंजन नाम के एक आदमी की उस थिएटर में मौत हो गई थी और उसके बाद से ही वहां पर भूतिया घटनाएं हो रही है और उसी घटना के बाद से ही गांव में कुछ लोग गायब भी हो रहे हैं। अब ये लोग कहते हैं कि ये भूत भूत कुछ नहीं होता अंकल, आप खामखा डर रहे हो। लेकिन अंकल कहते हैं कि बच्चों मेरी बात मानो, सभी बातों को ऐसे मजाक में लेना अच्छी बात नहीं है। खैर अब उसके थोड़ी देर बाद में हमें गांव के लोगों को दिखाया जाता है और वो लोग उनके गांव में होने वाली यात्रा के लिए नाटक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहां पर अजय और सूरज आते हैं और वो उनके साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। खैर अब उसके अगली सुबह हम देखते हैं अजय और सूरज कुछ काम से शहर जा रहे होते हैं तो रम्या उनसे कहती है कि रुको मैं भी आपके साथ आती हूँ, मेरा भी शहर में एक काम है, और वो तुरंत ही रेडी होकर आ जाती है। तभी वहां पर अजय की बहन अपने कुछ दोस्तों को अपने घर पर लेकर आती है अपने भाई अजय से मिलवाने के लिए। अब उनमें से एक लड़की का नाम अमृता होता है जो अजय की क्लासमेट थी और अब वो यहाँ पर अजय को देखकर उस पर लाइन मारने लगती है। लेकिन ये देखकर रम्या को थोड़ी सी जलन हो रही थी क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं रम्या अजय को लाइक करने लगी होती है। खैर अब उसके बाद ये तीनों एक साथ शहर में अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। रात को जब ये लोग वापस आते हैं तो रम्या अपने कमरे में रो रही होती है, उसकी आवाज सुनकर अजय उसके कमरे में आता है और इसका कारण पूछने लगता है। तो रम्या बताती है कि आज वो शहर गई थी अपने फ्रेंड प्रमिला से मिलने के लिए लेकिन वहां पर जाकर उसे पता चला कि 13 अगस्त 2018 को प्रमिला का बर्थडे था। बर्थडे के दिन वो बहुत ज्यादा खुश थी और बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद वो अपने घर वालों से रिक्वेस्ट करके अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए गई थी लेकिन उसके बाद से प्रमिला अपने घर पर वापस ही नहीं आई। उसको किसी ने किडनैप किया है या फिर वो सही सलामत है या नहीं इस बात का तो उसके माँ बाप को कुछ भी पता नहीं है। उसके माता पिता ने प्रमिला को बहुत ज्यादा ढूंढा, पुलिस में कंप्लेंट भी की लेकिन उन्हें प्रमिला का कुछ भी पता नहीं चला। तो अजय कहता है कि पुलिस में कंप्लेंट करके 6 महीने हो गए हैं लेकिन अब तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, तो फिर हमें पुलिस स्टेशन जाकर इस केस के अपडेट के बारे में पूछना चाहिए। अब उसके अगले ही दिन ये दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी मुलाकात इंस्पेक्टर प्रकाश से होती है और वो उन्हें अपने सीनियर ऑफिसर प्रताप के पास लेकर जाते हैं। अब 6 महीने पहले लिखी हुई प्रमिला के मिसिंग कंप्लेंट के बारे में अजय उनसे पूछने लगता है।
तो इंस्पेक्टर प्रताप कहता है कि मैं तो अभी 4 महीने पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ, इस केस के बारे में मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है। तो अब इंस्पेक्टर प्रकाश प्रमिला की जानकारी कंप्यूटर में ओपन करता है तो उन लोगों को इस केस के बारे में पता चलता है। और यहाँ पर इंस्पेक्टर प्रकाश उसे ये भी बताता है कि सर पिछले कुछ महीनों से मिसिंग कंप्लेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हमें इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और यहाँ अजय भी प्रताप से कहता है कि सर प्लीज आप जल्दी से जल्दी प्रमिला को ढूंढ निकालिए। ऐसा कहकर ये लोग अपने घर पर आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अजय के गाँव में हर साल मनाया जाने वाला फेस्टिवल होता है जिसमें अजय की फैमिली भी शामिल हो जाती है। वो गांव के मंदिर में जाकर दर्शन लेते हैं और पंडित जी अजय के हाथ पर एक सुरक्षा धागा बांधते हैं। यहाँ यात्रा में रम्या शूटिंग करने लगती है तो उसी यात्रा में अजय को अपने फ्रेंड के माता पिता दिखाई देते हैं। वो उनसे बातचीत करता है तो उसे पता चलता है कि उसका फ्रेंड सुंदर वो भी कृष्णा टॉकीज से मूवी देखकर वापस आ रहा था तो रास्ते में एक्सीडेंट होकर उसकी भी मौत हो गई। अब इन सारी घटनाओं के बारे में सुनकर अजय को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये कौन कर रहा है। यहाँ इस तरफ पुलिस भी प्रमिला के छानबीन में लग जाती है। अब यहाँ हम फिर से रम्या को देखते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्री के लिए वीडियो शूट कर रही होती है लेकिन तभी वहाँ पर दो लड़के आकर उसे तंग करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अजय आता है और उन बदमाश गुंडों की बहुत ही अच्छी तरीके से धुलाई करता है जिससे कि उनकी हड्डी पसली एक हो जाती है। लेकिन तभी एक आदमी पीछे से अजय के ऊपर चाकू से हमला करने के लिए आता है और अब अजय को बचाने के लिए सूरज उनके बीच में आता है जिस वजह से वो चाकू सूरज के पेट में घुसकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से चोट लग जाती है। ये देखकर अजय तो हैरान रह जाता है और तुरंत ही अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब ऑपरेशन करने के बाद वो उसे अपने घर पर लेकर आता है और उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और रम्या ये सब कुछ देख रही होती है। अजय का ऐसा प्यार भरा नेचर देखकर वो उसे और भी ज्यादा प्यार करने लगती है। अब दोस्तों उसके अगले दिन अजय और रम्या प्रमिला के केस के बारे में पूछताछ करने के लिए फिर से पुलिस स्टेशन जाते हैं और अब इस केस को इंस्पेक्टर प्रकाश इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। वो बताता है कि हमने कुछ लड़कों को सस्पेक्ट के तौर पर गिरफ्तार किया है, आप एक बार उनसे मिल लीजिए। अब बाहर 5 लोगों को पकड़ कर लाया गया था और ये सभी लोग प्रमिला से एक तरफा प्यार करते थे। अब उनमें से कोई पेपर वाला होता है तो कोई सोशल मीडिया के जरिए प्रमिला को पसंद करता था और उनमें से एक लड़का होता है जो कि प्रमिला के कॉलेज का फ्रेंड होता है। लेकिन दोस्तों अब इन लोगों के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला था कि इन्हीं लोगों ने प्रमिला के साथ कुछ गलत काम किया है, इसलिए इंस्पेक्टर प्रताप उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग अपने अपने डिटेल्स यहाँ पर लिख लो और हाँ ये केस सॉल्व होने के बाद ही तुम लोग इस शहर को छोड़कर जा सकते हो और अगर तुम लोग कुछ भी छुपा रहे हो तो अभी बता दो वरना अगर हमें बाद में पता चला तो तुम लोगों की खैर नहीं। तो वो लोग वैसे ही अपना अपना एड्रेस वहाँ पर लिखवा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अजय और रम्या भी वहाँ से अपने घर पर वापस आ जाते हैं। रात को हम देखते हैं कि अजय और सूरज गांव के लोगों के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रहे होते हैं। तभी अचानक अजय को एक कॉल आता है और अजय को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलती है। फिर वो अपने दोस्त सूरज से कहता है कि मुझे अभी कभी बेंगलुरु निकलना होगा, मैं कल तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, इसलिए कल तुम रेडी रहना, अब चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़ता हूँ। लेकिन यहाँ पर सूरज कहता है कि अभी मुझे थोड़ा ही नाटक करने वाले लोगों के साथ बातचीत करनी है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तुम आगे चले जाओ। तो फिर अजय गांव के एक लड़के के साथ वहां से चला जाता है। अब उसके अगले दिन अजय बेंगलुरु पहुंच जाता है और दोस्तों दरअसल यहां पर बात ये होती है कि अजय की पहचान वाले एमएलए जी ने एक डायरेक्टर साहब से बात कर ली थी और वो डायरेक्टर अजय के दोस्त सूरज को अपनी फिल्म में लीड रोल देने के लिए तैयार हो गए थे और यही डील पक्की करने के लिए अजय यहाँ पर आया होता है। अब दोस्तों डील पक्की करने के बाद अजय बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो यही खुशखबरी बताने के लिए वापस अपने गाँव में आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आने के बाद उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है कि अजय के फ्रेंड सूरज की मौत हो गई है और ये देखकर अजय का तो दिल ही टूट जाता है क्योंकि दोस्तों सूरज उसका बहुत ही खास दोस्त था। उसे पता चलता है कि रात को जब सूरज और राजू एक साथ घर पर लौट रहे थे तो बीच रास्ते में उनका एक्सीडेंट होने की वजह से सूरज की मौत हो गई। अब उसके बाद अजय अपने दोस्त का अंतिम संस्कार करता है और उसे ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने दोस्त सूरज को बहुत ज्यादा याद करने लगता है और तभी उसे अपने गाँव के लोगों की बातें याद आती है कि गाँव में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है जिस वजह से लोग गायब हो रहे हैं और कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है। तो अजय ठान लेता है कि वो इन सबके पीछे कौन है इसके बारे में पता करेगा और अपने दोस्त के कातिल को सजा दिलवा कर ही रहेगा। अब उसके बाद अजय और इंस्पेक्टर प्रकाश मरे हुए लोगों की फाइल स्टडी करने लगते हैं लेकिन तभी उस ऑफिस में उनके साथ एक हादसा हो जाता है जिसमें अजय को बहुत बुरी तरीके से चोट लग जाती है। लेकिन अजय का परिवार उसका बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखता है और कुछ ही दिनों में अजय बिल्कुल भी ठीक हो जाता है तो वो फिर से इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। उसके बाद जो जो लोग मर चुके थे वो उनके घर पर जाकर उनके रिश्तेदारों से बात करता है और तब अजय को कुछ इम्पोर्टेंट बातें पता चलती है और वो यही बातें बताने के लिए पुलिस स्टेशन में आता है।
वो यहाँ पर बताता है कि अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और उनमें से 6 लोगों की मौत तो 13 तारीख को हुई है, मतलब कि किसी भी महीने के 13 तारीख को। और ये सभी लोग कृष्णा टॉकीज से मूवी देखकर अपने घर पर लौट रहे थे। और तो और यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि इन सभी लोगों का एक्सीडेंट एक ही जगह पर हुआ है और वो जगह है कलमड़ जंक्शन। अब उसके बाद अजय ये कहता है कि इन सब के पीछे एक ही वजह है और वो है कृष्णा टॉकीज। जितने भी लोगों का एक्सीडेंट हुआ है ये लोग कृष्णा टॉकीज के बालकनी में 13 नंबर सीट पर बैठे हुए थे। तब इंस्पेक्टर प्रताप पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो लोग सीट नंबर 13 पर ही बैठे थे। तो अजय बताता है कि रफीक नाम के एक लड़के का एक्सीडेंट उसी जगह पर हुआ था और उसके दोस्त सलीम ने मुझे बताया है कि उस दिन वो लोग सिनेमा देखने के लिए गए थे और रफीक सीट नंबर 13 पर ही बैठा था और दूसरा लड़का जिसका नाम होता है सुंदर उसने अपने मूवी की टिकट मोबाइल पर बुक की थी और जब मैंने उसके घर पर जाकर उसका मोबाइल चेक किया तो वो सीट F13 ही थी और बाकी के लोगों ने जो टिकट खरीदी थी उन पर भी F13 नंबर लिखा था। तब इंस्पेक्टर प्रकाश कहता है कि हो ना हो जरूर इसके पीछे कोई शक्ति है और अजय कहता है कि वो जो भी हो मैं उसके बारे में पता करके रहूंगा। अब ऐसे ही इस छानबीन में एक महीना बीत जाता है और आज फिर से 13 तारीख होती है, मतलब कि आज फिर से किसी की मौत होने वाली है। इसलिए अजय तय करता है कि आज वो खुद कृष्णा टॉकीज जाकर उस 13 नंबर सीट पर बैठकर मूवी देखेगा। तो उसका दोस्त राजू और रम्या उसे ऐसा करने से मना कर देती है लेकिन अजय कहता है कि मुझे अपने दोस्त के कातिल को पकड़ने के लिए ऐसा करना ही होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं ये लोग कृष्णा टॉकीज पहुंच जाते हैं और अजय सीट नंबर 13 पर बैठकर मूवी देखने लगता है। अब मूवी देखते वक्त तो उसे कुछ महसूस नहीं होता लेकिन जब ये लोग अपने घर पर लौट रहे होते हैं तो तभी अचानक उसी रास्ते में अजय की गाड़ी के सामने प्रमिला की आत्मा आ जाती है। अब ये घटना इतनी अचानक होती है कि अजय अपनी गाड़ी का बैलेंस खो देता है जिस वजह से उनका बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन दोस्तों खुशकिस्मती से ये तीन लोग बच जाते हैं क्योंकि एक अदृश्य सकारात्मक शक्ति अजय की रक्षा कर रही थी। अब इन लोगों को एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से ये पता चलता है कि इन सभी घटनाओं के पीछे प्रमिला की आत्मा का हाथ है, उसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा जिसकी वजह से वो लोगों को तड़पा कर मार रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस आत्मा की आड़ में कुछ और ही लोग दूसरे लोगों को मारकर अपना काम कर रहे हैं। खैर अब उसके अगले दिन हम देखते हैं रम्या के पिताजी उसे लेने के लिए अजय के घर पर आते हैं और अब रम्या अजय को बाय कहकर बेंगलुरु चली जाती है। अब उसके बाद और ज्यादा छानबीन करने पर अजय को ये पता चलता है कि उस कृष्ण टॉकीज में काम करने वाले गिरीश नाम के एक वॉचमैन की कुछ ही महीने पहले मौत हो गई है। तो अब ये लोग उसके बारे में छानबीन करने लगते हैं लेकिन उस वॉचमैन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालते वक्त इन लोगों को टोनी नाम के एक लड़के के बारे में पता चलता है जो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा कर उन्हें ड्रग्स की आदत लगवा देता है और ये टोनी उन्हें फॉरन में बेच भी देता था। उसके बाद ये लोग टोनी को ढूंढते ढूंढते एक घर पर पहुंच जाते हैं जहां पर टोनी किराए के तौर पर रहता है लेकिन उस घर का मकान मालिक बताता है कि टोनी को तो मैंने 4-5 महीने पहले ही घर से बाहर निकाल दिया, अब वो हमारे यहाँ पर रेंट पर नहीं रहता और उसके बाद वो कहाँ पर चला गया ये मुझे पता नहीं। तो अब ये जानने के बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन उस घर में रहने वाली एक लड़की अजय का पीछा करती है और वो उसे बताती है कि टोनी ने मुझे धोखा दिया और मुझे नशे की लत लगा दी, अब कुछ दिन पहले ही वो कहीं पर फरार हो चुका है इसलिए प्लीज आप उसे पकड़ कर सजा दीजिए। तो अजय उसे कहता है कि ठीक है लेकिन जैसे टोनी तुम्हें कॉल करेगा तू मुझे तुरंत बता देना। अब उसके बाद अजय और इंस्पेक्टर कृष्ण टॉकीज में दिन में काम करने वाले वॉचमैन को उठा लेते हैं और उसे पूछते हैं कि जिस दिन दूसरे वॉचमैन की मौत हुई थी तब तुम कहां पर थे। अब बहुत ज्यादा मार खाने के बाद वो वॉचमैन बताता है कि मैं उस दिन एक महिला के साथ संबंध बना रहा था लेकिन जब मैंने वापस आकर देखा तो उस वॉचमैन गिरीश की यहां पर मौत हो चुकी थी। मैं सच बोल रहा हूं मुझे उसकी मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता है, प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए। तभी यहाँ पर अजय को उस लड़की का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि मुझे टोनी का कॉल आया था और उसने मुझे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया है। तो वो लड़की और अजय टोनी के उस अड्डे पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि टोनी लड़कियों को नशे की लत लगाकर उनके साथ गलत काम करता है। अब यहाँ पर अजय बहुत ही जबरदस्त तरीके से फाइटिंग करता है और टोनी को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आता है लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा मार खाने के बावजूद भी टोनी कहता है कि मैं प्रमिला और इन मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानता और वो बताता है कि कुछ दिन पहले तो मुझे ही किसी ने मारने की कोशिश की थी। एक रात कृष्णा टॉकीज से मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया था और मैं वहां पर जा रहा था तो बीच रास्ते में मेरी गाड़ी का टायर खराब हो गया इसलिए मैंने अपनी गाड़ी का टायर बदल दिया लेकिन तभी अचानक वहां पर एक लड़का आया और मुझे धमकाने लगा, वो मुझे गन दिखाकर मेरी गाड़ी वहां से ले गया। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए इसके अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो अजय उसे कहता है कि तुम्हें जिस लड़के ने धमकाया था हम उस लड़के का स्केच बनवाते हैं। अब टोनी जैसे जैसे बताता है स्केच आर्टिस्ट वैसे ही ड्राइंग बनाने लगती है। इतने में ये लोग चाय पीने के लिए जाते हैं
लेकिन यहाँ पर टोनी वो जेल के अंदर मौजूद उस वॉचमैन को मारने पीटने लगता है। अब उसे छुड़ाने के लिए कुछ कांस्टेबल जेल के अंदर जाते हैं तो तभी टोनी उनके हाथों से गन छीन लेता है और उन्हें धमका कर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करती है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाती और यहाँ पर अजय भी पछताने लगता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सबूत अपने हाथों से गवा दिया। लेकिन उन्हें यहाँ पर उस लड़के का स्केच मिल गया था और दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि मनोहर होता है, वही मनोहर जो प्रमिला के कॉलेज में पढ़ाई करता था और वो उसे प्यार भी करता है। अब ये लोग मनोहर ने लिखे हुए एड्रेस पर जाकर देखते हैं लेकिन वो एड्रेस तो गलत था। अब ये लोग मनोहर के बारे में ही पता कर रहे थे लेकिन उन्हें खबर मिलती है कि बीच रास्ते में मनोहर के एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये लोग उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो सच में मनोहर की वहां पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो अब अजय उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज निकालता है और मनोहर का एक्सीडेंट जिस कार से हुआ था उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगता है। अब रात को हम देखते हैं कि अजय की फ्रेंड अमृता उसे अपने कॉलेज में पार्टी पर इनवाइट करती है और अब उसके कुछ देर बाद रम्या अजय को कॉल करके बताती है कि मैंने शूट किए हुए वीडियोस तुम्हारे घर पर ही रह गए हैं, क्या तुम प्लीज उन्हें मुझे मेल करोगे? तो वो ठीक ही कहता है और उन वीडियोस को देखने लगता है। तभी उसे उस वीडियो में वो कार दिखाई देती है जिस कार से मनोहर का एक्सीडेंट हुआ था। अब उस दिन उस कार को मैकेनिक सलीम लेकर आया था तो अजय उसके पास जाकर उस कार के बारे में उसे पूछने लगता है। तो सलीम उसे बताता है कि वो कार तो मेरे गैराज में रिपेयर करने के लिए आई थी और उसे ही लेकर आया था, वो कार मेरी नहीं है, वो मेरे एक दोस्त के फ्रेंड की कार है। अब अजय उस लड़के के बारे में पता करता है लेकिन वो लड़का उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। अब उसके बाद अजय रात को अमृता से मिलने के लिए चला जाता है क्योंकि अमृता ने उसे अपने कॉलेज के प्रोग्राम में आने के लिए इनवाइट किया था। अब कॉलेज में जाने पर उसे पता चलता है कि अमृता तो एक कार में बैठकर अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए गई है और वो लड़कियां सेल्फीज खींची हुई फोटोज को देख रही होती है और अजय भी उन फोटोज को देखने लगता है। तो तब उसे उन फोटोज में वही येलो कार दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि हो ना हो इस आदमी का अगला टारगेट अमृता ही है, इसलिए वो तुरंत ही कृष्णा टॉकीज थिएटर पहुंच जाता है। लेकिन थिएटर के अंदर जाने के बाद उसे वहां पर अमृता दिखाई नहीं देती, इसलिए वो बाहर आकर इधर उधर छानबीन करने लगता है। तो तभी उसे पीछे के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो अंदर जाकर देखता है तो कुछ लड़के अमृता की गलत वीडियो निकाल रहे थे और यहाँ पर टोनी अमृता के साथ गलत काम करने के लिए जा ही रहा था कि तभी वहां पर अजय आकर उसे रोक लेता है। अब यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से फाइटिंग होती है। अजय उन सभी लोगों को एक एक करके चुन चुन कर मारता है और आधे लोग तो वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद अजय टोनी को भी जान से मार देता है। लेकिन दोस्तों अब आता है यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट। हम देखते हैं कि वहां पर मनोहर आता है और दोस्तों असल में ये मनोहर नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई मनोज होता है जो कि अजय के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से हमला करता है और उसे बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। अब वो बताता है कि मुझे अपने भाई मनोहर की गर्लफ्रेंड अमृता पसंद आ गई थी लेकिन वो तो मेरे भाई मनोहर से प्यार करती थी। अब जिस दिन उसका बर्थडे था तो वो झूठ बोलकर कि मैं मूवी देखने के लिए जा रहे हूँ वो मनोहर से मिलने के लिए आ रहे थे लेकिन मैंने उसको कॉल करके किसी दूसरी जगह पर बुला लिया और मेरा भाई मनोहर वो तो उसी जगह पर उसका इंतजार करता रहा। और यहाँ पर मनोज प्रमिला को मूवी देखने के लिए कृष्णा टॉकीज लेकर आया। वहां पर उसने प्रमिला के कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवाई मिला दी और उसके बाद मनोज ने प्रमिला को थिएटर के पीछे वाले कमरे में ले जाकर उसके दोस्त ने और उसने प्रमिला के साथ गलत काम किया। लेकिन तभी प्रमिला को होश आ गया था और वो वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन अगर वो वहां से भाग जाती तो मनोज के बारे में सब लोगों को पता चल जाता और इसी वजह से अब उन दोनों में हाथापाई होने लगती है और इसी झगड़े में मनोज प्रमिला को धक्का दे देता है जिसकी वजह से प्रमिला का सर दीवार पर टकरा जाता है और प्रमिला की वहीं पर मौत हो जाती है। और दोस्तों इसीलिए प्रमिला की आत्मा कृष्णा टॉकीज में भटक रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्लियरली पता चल गया था कि मनोज ने ही अपने खुद के भाई मनोहर को मारा था ताकि वो खुद पकड़ा जा सके। और जब मनोज को पता चला कि अजय प्रमिला के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वो ये इन्वेस्टिगेशन करना बंद करे, इसलिए मनोज ने अजय के दोस्त सूरज को मार दिया उसका एक्सीडेंट करवा के। मतलब कि दोस्तों मनोज ने ही सूरज का मर्डर किया था। अब ये सब कुछ सुनने के बाद अजय और मनोज के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होने लगती है लेकिन यहाँ पर अजय बहुत ज्यादा जख्मी होने की वजह से वो कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक प्रमिला की आत्मा अजय के अंदर आ जाती है और वो मनोज को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। इस तरह से दोस्तों प्रमिला का बदला पूरा हो जाता है और अजय अपने दोस्त सूरज के कातिल को भी खत्म कर देता है। और दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये हॉरर कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।